question, what are the basic elements that you see in an answer when you are checking the sheets? So when you go for checking your UPSC, so do they give you any instructions or is it on the professor to check on his own? There are two things. One is there, for example, if I am a very seasoned examiner, quote unquote. For example, one person is from 10 years is examiner in IAS. So people will not say anything to him or her, right? Because he is already. But someone is very recently joined in this whole band of examiners. तो उनको क्या बोलते हैं कि देखो ये जो क्वेश्चंस आंसर है दैट इज नॉट ए बी ए और एम ए एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर नंबर वन. जो वहां पर चेक करने वाले हैं वो बी ए और एम ए के एग्जाम पेपर चेक करते हैं. दे आर पीपल लाइक मी राइट दोज आर प्रोफेसर्स. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज देयर इट्स नॉट योर स्टूडेंट्स दोज हु आर राइटिंग आंसर दे आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. That is number one. So don't check this answer book from your conventional BA or MA examination design. So क्या check करना है आपको? What क्या 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 check? First one is जो question है वो question को पूरा आप समझो कि question क्या पूछा गया है. Because ये traditional conventional examination में क्या होता है, एक ही एक question हर बार आता है. कभी marks का evaluation करो और वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स की चर्चा करो. सो यू राइट ऑल दिस थिंग इन अंडर दैट पर्टिकुलर अम्ब्रेला यू आर राइटिंग. हियर इट इज नॉट देयर. तो उनको एक इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है कि जो क्वेश्चंस है उसको आप पहले समझो कि क्वेश्चंस क्या है और उस क्वेश्चंस को जस्टिस दिया गया कि नहीं दिया गया इसमें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग इज देयर दैट इन वन पर्टिकुलर व्हाट यू आर टेलिंग अबाउट दैट क्वेश्चन अबाउट evolution, theory of evolution. So theory of evolution में there are two or three very important sociologists. उसके नाम है कि नहीं, that is very important. वो नहीं है तो then आपकी train पटरी से नीचे उतर गई है. तो ये भी उनको बोला जाता है कि आप concentrate only on the main aspect of the question और उसको उन्होंने address किया है कि नहीं किया है. that is the fourth one is the language. आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो कॉमन मैन की लैंग्वेज है या एक सोशल साइंस स्टूडेंट्स की लैंग्वेज है. कई बार क्या होता है कि अपनी जो लैंग्वेज होती है वो ऐसे कॉमन जो लिखते हैं वही होती है, लेकिन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस तो आपकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा लिखते हैं कि एंड यू राइट अबाउट मिडिल क्लास, तो जनरली आपने मध्यम वर्ग आम से तेम छो लगता हुआ है, बट देन यू हैव टू राइट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अपर मिडिल क्लास, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मिडिल क्लास, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लोअर मिडिल क्लास, इट्स मिडिल क्लास मेंटालिटी, इट्स मिडिल क्लास आइडियोलॉजी, व्हाट इज इट. और यू नो सम ऑफ द ऑथर्स हु हैव ऑलरेडी रिटन ऑन मिडिल क्लास, राइट, वो आपके बारे में है क्या नहीं. तो उस तरीके से आपको वो जो कंसेप्चुअल बात है और जो लैंग्वेज है उसकी है वो उसी तरह से आपको लिखनी पड़ेगी. की नहीं आपता के वो की नहीं आप पण एवं करे शुरुआत में कि तमारा त्रण चार क्वेश्चन्स तमे जोया हो ए लोको बीजा जे एमा पैरेलल ए लोकोनी टीम हो ए लोको जोई जाए एंड दे सजेस्ट एंड नाउ प्लीज लुक एट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, लुक एट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव.